नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट जो भी मेरे इस वीडियो को आर्य एंड आदित्य क्लासेस के नाम से मैं चलाता हूँ, और इसके अंदर आपके वनडे एग्ज़ाम हो या स्कूल से रिलेटेड कोई इस तरह के इंग्लिश बेसिक जिनको सीखना है, तो इस तरह की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। इसी में आज मेरा एक वीडियो है, यंग वंस ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके बारे में हम जानेंगे, और इसमें हम जो ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम कैसे कम समय में, समय कम बर्बाद करते हुए हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एनिमल, हमें स्पेलिंग्स इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग हमें मस्ट याद होनी चाहिए, हमें लिख के इसको याद करना है। एक या दो बार बच्चा यदि पढ़ेगा या कोई स्टूडेंट जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो आसानी से ये भी वनडे एग्जाम्स या कई बार जो है कई एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमें नहीं आते हैं। तो हमें थोड़ा सा समय इसको देके, छोटा शॉर्ट वीडियो है और हमें इनके थ्रू भी हमें जाना चाहिए। तो अब हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। एनिमल्स, यंग वंस, गोट बकरी, इसके बच्चे को हम, बच्चे को यंग वंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इसे किड बोलते हैं। वुल्फ, वुल्फ के बच्चे को कब बोलते हैं। स्टैग, स्टैग के बच्चे को फॉन बोलते हैं, FAWN, डब्ल्यू साइलेंट होता है, फॉन। उसके बाद सीप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, रैम के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं, फॉक्स के बच्चे को कब बोलते हैं, इसी तरह। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कई एनिमल्स के यंग वंस को बोलते हैं। ये हमारे, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किया हूं कि हमें पूरे अलग अलग किताबों में दिया रहता है, ये सब चीजें हम ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ लें। यहाँ पे हम देखते हैं, फॉक्स के बच्चे को भी कब बोलते हैं, लेपर्ड के बच्चे को कब बोलते हैं, टाइगर के बच्चे को भी कब बोलते हैं, बियर के बच्चे को कब बोलते हैं, लायन के बच्चे को भी कब बोलते हैं, चीते का बच्चे को भी कब बोलते हैं, और वुल्फ के बच्चे को भी कब बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए, तो ये आप ये बताओ कि यदि गांव या शहर में कोई इस तरह के खतरनाक जानवर यदि आ जाते हैं, तो जनरली लोग यही पूछते हैं कि कब आया था, फॉक्स कब आया था, लेपर्ड कब आया था, तो इस तरह के लायन कब आया था, अरे इससे बचना जरूरी है, चीता कब आया था, वुल्फ कब आया था। तो हमें इस तरह जो है कब शब्द से, हम एक टाइम का यहाँ पे डिनोट करता है, इससे हम ये कब शब्द याद कर सकते हैं, ये खतरनाक जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, और कभी यदि सिटी या गांव में आ जाते हैं तो हमें इस कब शब्द से हमें ये चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद नीचे हम देखते हैं कि डक, डक के बच्चे को या डक के यंग वंस को बोलते हैं डकलिंग बोलते हैं, बर्ड्स के नेस्लिंग बोलते हैं, गूज के बच्चे को गोसलिंग बोलते हैं, और स्पाइडर के बच्चे को स्पाइडलिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे LING कॉमन सभी के अंदर आ रहा है, और ये सभी एक देते हैं या एक ले करते हैं।